स्वागत है गाइस, कैसे हम सब वेलकम बच्चे हैं न्यू लोग। तो आज है मंडे, फर्स्ट सेमेस्टर के फाइनल का पहला पेपर है आज हमारा मैथमेटिक्स का गाइस। बस जा रहे हैं पेपर देने के लिए, दुआ कीजिएगा पेपर अच्छा हो और रिजल्ट भी अच्छा है, सबके पेपर अच्छे हों, सब अच्छे ग्रेड्स और जीपी से पास हो जाए हमारे। बस चलते हैं यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी में हम लोग आ गए। कौन सा पेपर आज फसीला? मैथ। अल्लाह पाक सर पेपर चेक करते हुए आठ उनकी खुल जाए खुल जाए देख कर हमारा पेपर जो है ना, आप बता में 40 में से 35 नंबर देते हैं। आमीन। 40 में से 100। आमीन आमीन। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आज हो जाएगा। बस आज फॉर्मल ड्रेसिंग है गाइस। यार आपका भाई ज़्यादा हॉट नहीं लग रहा आजकल? नहीं कुछ बोलना चाहोगी? यार मुझे समझा दो। सब समझ रहे हैं। A few moments later. तो गाइस ये हमारी क्लास है, यहाँ पे पेपर था और पेपर अभी हमारा हो गया। आधी ये लोग क्लास में बैठे हुए हैं, बस सही हुआ है, इनके भी हो गए हैं। वेट करेंगे अब इन लोगों का आने का। अच्छा भी नहीं बना इतना बुरा हुआ, बस सही हुआ है, गुजारे लाइफ। इधर हमारे पेपर हो गए और इसने 6 शीट्स ली हैं भाई। इसने 6 शीट्स ली हैं ऊपर। यार ओ माय गॉड, ये टॉप करेगी सर, अजीम से टॉप करवाएंगे। इतना बड़ा पेपर आया है और ये लोग 6 शीटें को ऐसे लेता है। हमने 14 शीटों मतलब एक ही शीट पे हमने फुल भर लिया और ये लोग पूरा पूरा करके आए। ये भी ये कोई कम नहीं है बेटा, ये भी फुल करके आई है यार, ये भी कम नहीं। तू बा हाउस योर जल्दी 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 इसे बोलो जल्दी। पेपर कैसा हुआ? किया पूरा है। हाँ हम भी पूरा पेपर करके आए, बस सर अच्छे नंबर दे दें यार, अच्छा करके आए। तो हेलो गाइस, आज है दूसरा दिन और आज हमारा इंग्लिश का पेपर है। बस यूँ ही जाया जा रहा है, तैयारी नहीं है और आंखों में सूरज लग रहा है इतने गंदे, सूरज नहीं सॉरी धूप लग रही है इतने गंदे तरीके से, आंखें इसलिए नहीं खुल रही, बस जा रहे हैं मस्ती। गाइस ये लगी हुई है हमारी नेम शीट के, इस क्लास में कौन कौन बैठेगा रोल वाइज। यहाँ पे इतना प्यारा फिजला लिखा हुआ है, मैं यहीं बैठता हूँ हमारी ETC 1 में। ये साइकोलॉजी का जो जुम्मे वाला ब्लॉग था ना, डबल ब्लॉगिंग की थी, उसके अंदर वाली जो क्लास थी वही है। पक्की बात है? पक्की बात है जी, पक्की बात है। हमारी तैयारी व्यारी नहीं है, बट हम भाई बन के आए के अच्छा होगा इंशाल्लाह पेपर। येलो आज तूने मेरा फेवरेट कलर पहना है, लव यू ब्रो। कहाँ बैठ रहे हो? यहाँ बैठ रहे हैं हम लोग। A few moments later. अस्सलाम वालेकुम गाइस, आपका नाम? अच्छा पेपर हो गया गाइस हमारा और इतना आसान सर ने पेपर बनाया है ना, बगैर तैयारी के जो बच्चे फुल पेपर करके आते हैं ना वो हमें, इतना आसान सर ने पेपर बनाया है। हाँ तो टिकटॉकर ब्लैक कैप, हाउ इज योर पेपर? मेरा भी ज़बरदस्त हुआ है यार, सर ने पेपर अच्छा बनाया था ना, सर ने इजी भी पेपर बनाया था सर, थैंक यू सो मच सर। हमने तैयारी नहीं की थी फिर भी आपने अच्छे नंबर दिए हैं, तुम्हारा फेस आया है आज। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको 100 साल ज़िंदगी दे। आप हमें प्रोफेशनल राइटिंग भी आप ही हमें पढ़ाएं, उसके आगे वाले भी सारे आप पढ़ाएं, बस आप ही पढ़ाते रहें हम पढ़ते रहें। बस अभी हम ही बैठे हुए पेपर के बारे में बातें कर रहे हैं। तो हेलो गाइस, लैंग्वेज स्टार्ट होकर अभी यूनिवर्सिटी वगैरह जाया जा रहे हैं। अच्छा मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि कल मैंने एक बात की थी कि हम लोगों ने बगैर पढ़े यूनिवर्सिटी में मीन्स के जो नाचे थे पेपर कर दिए, तो इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं था कि हम लोगों ने पढ़ा नहीं है। हम लोगों के 100% अटेंडेंस थी और हमें टीचर्स ने एक बात की थी कि अगर आप लोग डेली रेगुलर रहते हैं और आप लोगों की अटेंडेंस अच्छी होती है, आपके असाइनमेंट्स और आप लोग अपनी मेहनत से करते हैं, तो आप लोग अगर तैयारी ज़्यादा ना भी करें तो आपके पेपर अच्छे जाएंगे क्योंकि आपने ऑलरेडी ये सब कुछ किया होता है।
तो इसी वजह से हम लोगों ने मींस के पेपर से आधा घंटा पहले यूनिवर्सिटी पहुंचते हैं और तैयारी वगैरह बस वहीं से पढ़ लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, तो ऐसे हम लोग पेपर कर लेते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने ये बात बोली थी तैयार पढ़े हम लोग पेपर अच्छे हो गए, उसका मतलब ये था कि हम लोग ऑलरेडी पहले पढ़ चुके थे, तो डेट से हम लोगों ने बस रिविजन करना था और हो गया, बस यूनिवर्सिटी जा रहे हैं। तो गाय थे इधर हम पढ़ के, वो जो कहते हैं ना मैंने बोला आपको वीडियो में कहा आधा घंटा पहले पढ़ते हैं, आधा घंटा नहीं अभी देखने 19 हो रहे हैं और अभी 30 हमारा पेपर है, बस अभी रिवाइज वगैरह कर रहे हैं, अपने से रट्टे वगैरह मार रहे हैं। इस बंदी को आप लोगों ने देखा होगा लास्ट व्लॉग में, सलाम अलैकुम, ईद मुबारक, खैर मुबारक, ईद मुबारक, बस ये पढ़ रहे हैं यार। तो गाइस आज इन्होंने हमें दोबारा ATC 4 में डाल दिया, हमारा वैसे वो M205 में होता है साइकोलॉजी का। ये मेरा प्यारा सा नाम है अभीबुल्ला यार, मुशाहिदा लोगों को भी इधर ही ऐड कर दिया इन्होंने, निकाले इन्हें। तो गाइस हमारा पेपर हो गया है, ये इसकी स्माइल से आप लोगों को पता चल रहा होगा कितना अच्छा पेपर हुआ है ना यार। इसने हार्ड बहुत 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 हार्ड पेपर बनाया था, बट करके आए अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा ही करके आए, बट मिस अच्छे नंबर से पास कर दें, आमीन, हम सबका एक ग्रेड बन जाए, आमीन 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 आमीन। बनेगा नहीं, बट खुश फहमियाँ रखनी चाहिए इंसान को, उम्मीद पे दुनिया कायम है। बिल्कुल, तुम्हें क्या लगता है क्या आ जाएगा? हाँ कितनी ज़्यादा इसकी उम्र है ना, बी के सी आएगा नहीं यार, ऐसा भी नहीं है, हद हो गई, बेइज्जती कर रहे हो मेरी। नहीं, मैं इसे कभी भी नहीं कह सकता बेटा, तुम्हें बोलो। गाइस अभी हम लोग ना बैठे हुए, अभी पिक्चर शिक्चर बना रहे हैं, सबसे गंदी तेरी शक्ल आएगी, मैं भी कह रहा हूँ, तू काला कलोटा आ रहा है ये पिक्चर के। लेकिन भाई आप खुद आ रहे हैं कैमरा में, आपने फोटेज घेर रहे हैं आप बेटा, आप मुझे नहीं कहिएगा कि मेरा पिक्चर मेरी वीडियो क्यों आ रही है। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आज है हमारा लास्ट पेपर, बस अभी यूनिवर्सिटी के लिए जा रहे हैं, आखिरी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, ICT का पेपर था, बस निकल रहे हैं यूनिवर्सिटी के लिए, तैयारी भी है सही है, मतलब अच्छी भी है बुरी भी है, दुआ कीजिएगा आज का पेपर भी अच्छा हो और आप अच्छे नंबरों से पास हो जाए, आमीन आमीन आमीन, सबकी अच्छी जी भी बने, सब अच्छे ग्रेड से पास हो जाए, आमीन। ये भागी, ये भागी। तो गाइस हम लोग यूनिवर्सिटी पहुँच गए, ये तो पढ़ा जा रहा है अस्कर, क्या है ये लोग गाइस जा रहे हैं यार, बहुत दुख हो रहा है तुम लोगों का सुन के, इनको यूनिवर्सिटी तुम नहीं आ रहे, इनको यूनिवर्सिटी से निकाल दिया यूनिवर्सिटी वालों ने, दिक्कत दे के निकाला है कहा, इनको कहा कि तुम लोग मेन कैंपस में शिफ्ट हो जाओ, हम लोग तुम लोगों को नहीं सह पाते, बहुत गजब बेइज्जती है, बहुत ज़्यादा इन्होंने हमारे नाम खराब किया है। एक ये बंदी भी है, ये भी जा रही है, नहीं मैं फेस नहीं ला रहा, ये भी जा रही है यार, तुम लोग बड़े याद आओगे, बस खुश रहना। तो गाइस M201 में हमारी क्लास, इसे मेरा नाम दिख रहा है, हाँ ये रहा, ये हबीबुल्ला, देखिए कितना अच्छा लगता है यार, आज कंप्यूटर में बैठ बैठ के बनाएंगे हम लोग, करेंगे, खैर कंप्यूटर ऑफ होते हैं यार, बड़े बदतमीज हैं, क्लासेस में ऑन रखते हैं, पेपर्स में नहीं रखते। A few moments later. Guys, अभी हमारा पेपर हो गया है, आधी क्लास अभी अंदर है, सर ने इतना हार्ड पेपर बनाया हुआ था लेकिन मज़े का था, करने में मज़ा आया, चारों सारे पेपर्स में ही जितने भी पेपर्स हुए हैं सबके अंदर जो है ना पूरा पूरा लिख के आए, और 14 की 14 शीट्स होती हैं, सारे के सारे भर के आए, बस दुआ कीजिएगा अल्लाह हमें अच्छे नंबरों से पास करवाए, हमारी GP अच्छी बने, हम अच्छे ग्रेड से पास हो के आए इंशाल्लाह, आमीन आमीन आमीन। बस ये ब्लॉग जल्दी से आ रहा है, थोड़ा सा लेट हो जाएगा उसके लिए सॉरी, प्रे फॉर अस गाइस। तो गाइस पेपर हो गए कंप्लीट, और ये देखिए आज फर्स्ट टाइम हम रात में आए अपनी यूनिवर्सिटी, ओ माय गॉड कितना अच्छा व्यू है यार, अंधेरा अंधेरा है बट इग्नोर कीजिएगा इसको, लाइट तो मारो। हे गाइस मुशाहिदा कैसा हुआ? यार सर ने जो है ना क्या किया, मिड टर्म वाला क्वेश्चन दिया है ना, क्वेश्चन नंबर 2 सर ने बोला था कि मिड टर्म वाला नहीं देंगे, सो सिस्टम सॉफ्टवेयर भी सर ने मिड टर्म वाला देगा, नहीं हमें नहीं बोला था, हम लोगों ने सर से खुद पूछा है टिकटॉकर, हाउ वाज योर पेपर? मेरा बहुत अच्छा हुआ। हमारा भी अल्हम्दुलिल्लाह मतलब अच्छा ही हुआ है यार, बट एकदम बस सर अच्छे नंबर दे दें, आमीन, पूरा करके आया मैं 14 की 14 सीटें भर के, मैं तो एक्स्ट्रा शीट लेने वाला था, मैंने कहा इसी पर छापो बस, और इसी पर करो, आई मीन
10 पेज पे लिखा है, अब देखो सर क्या नंबर। यार मैंने जितनी गंदी राइटिंग में लिखा है ना सर, मेरी राइटिंग का नंबर काटने लग गया ना, मैं फंस जाऊंगा। कोई नहीं काटेंगे सर, नंबर देंगे इंशाल्लाह सबको। हाँ तो अस्बिका कैसा हुआ पेपर? नहीं मैंने नीचे से किया, बैग से बैग दिख रहा है। हाँ सही, मोबाइल मेरा पेपर बहुत ठीक हुआ, उम्मीद है कि 35 नंबर आएंगे। मेरी मुझे उम्मीद है अल्लाह सर मुझे 30 नंबर दे देंगे। आमीन आमीन आमीन। तो हम लोगों को दुआ में याद रखना, हम लोग मेन कैंपस जा रहे हैं। अच्छा इनको टाटा करते हैं, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। ये लोग हमसे शिफ्ट हो रहे हैं गाइस, जा रहे हैं ये लोग। दुआएं लेती जा, बहुत अफसोस हो रहा है हमारे ये बंदे जा रहे हैं सीएस वाले, दुख हो रहा है बहुत ज्यादा। अब मैं उसको बोल रही हूं घर चल के ऐसे। तुम क्यों जा रही हो यार, बता दे तुम भी जल्दी जा रही हो। मतलब शादी एंजॉय करो। एक और बार मेरा भी अंगूठा नहीं आया यार। ये रही हमारी यूनिवर्सिटी, देखिए रात में कैसी लगती है। अभी पहली बार तुमने देखी है क्या? रात में पहली बार देखी है ना यार, रात में व्यू अलग आता है यार। लाइटें ऑन करो, इधर कुछ अच्छा था, चच की शक्लें ही नहीं आ रही हैं। फैन कैसा हुआ पेपर आपका? नहीं बना, बना। बता दें चले, फेस से तो अच्छे लग रहे हैं। अच्छा ही हो भाई यार, सब पूरा पूरा करके आए, बट सर नंबर देने वाले बने हम लोगों की, जैसा हम लोग लिख के आए अंड की शंट ना, दे देंगे ना सर नंबर। पास तो है बेटा तू, है ना, तेरे मुझसे अच्छे नंबर आए थे एस सी टी में, पहला बंदा है तेरे जिसके मुझसे ज़्यादा अच्छे नंबर आ गए हैं एस सी टी में, समझ आई ना। तो इतने शक्ल गंदी ना बना, पे पास है तू भी बेटा, बस मुझे शक है मेरे ऊपर। 30-35-40 नंबर, मेरे 30 आ जाए मैं खुश हूँ, जितना मैं लिख के आया हूँ मेरे 30 आ जाए। आमीन आमीन आमीन। भाई इधर हम लोग मिल्क शेक लेने आए हैं भाई, कितना गंदा आ रहा है, इसका धोखा नहीं लीजिएगा, मैंगो बना देना और बर्फ़ ज़्यादा ठंडा होता है। सी एस वाले जा रहे हैं गाइस, अल्लाह हाफिज़, ये अब दोबारा नहीं मिलेंगे हमें। खैर यूनिवर्सिटी का अब कुछ डेज के लिए ऑफ है और बस खाली खाली सी यूनिवर्सिटी, अभी कुछ डेज बाद देखेंगे अपनी यूनिट। फाइनल के फर्स्ट सेमेस्टर के, और टेंशन बहुत बड़ा बोझ था पेपर्स का, क्योंकि लगातार विदाउट गैप के पेपर्स हुए हैं, हर आज था, कल भी था, परसों भी था, तो सारे दिन पेपर्स होते रहे, अच्छे हुए सबके पेपर अल्हम्दुलिल्लाह। तो सब यही दुआ करते हैं अल्लाह से कि सबके पेपर्स बहुत अच्छे हुए हों
और अच्छे नंबर से सब पास हों, सबकी जीपी अच्छी बने और अच्छे से सेकेंड सेमेस्टर तक पहुँच जाए। आमीन। सीएस वालों को हमारे अलग कर दिया है, उनको मेन कैंपस में भेज दिया, उनको अलविदा भी हो गया, अलविदाई रुखसती कर दी है उनकी हमने यूनिवर्सिटी से। और अब देखते हैं यूनिवर्सिटी हमें कब बुलाते हैं, कुछ डेज का गैप देते हैं फाइनल के बाद। वीडियो में बने रहिएगा, ऐसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे, मुझे खाक से उठा के।